शाहजहांपुर में पत्रकार हत्याकांड में दो पुलिस कर्मियों के बयान दर्ज किए गए हैं। कोर्ट में हत्यारोपी श्रीप्रकाश राय समेत दो पुलिस कर्मियों के बयान दर्ज किए गए हैं। जगेंद्र हत्याकांड में श्रीप्रकाश राय सहित पांच पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। आपको बता दें कि पुलिस कर्मियों पर जगेंद्र सिंह को जलाकर मारने का आरोप है, जिनमें से दो पुलिस कर्मियों के बयान आज कोर्ट में दर्ज किए गए हैं। बता दें आपको हत्यारोपी श्रीप्रकाश और एक और अन्य पुलिस कर्मी के जो बयान है वो आज दर्ज किया गया है। कमलेश शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। कमलेश, दो पुलिस वालों के बयान दर्ज हुए आज। जी प्राची, बताना चाहूंगा हत्यारोपी श्री प्रकाश राय सहित दो गवाहों के कोर्ट में बयान दर्ज किए गए हैं और घटना के बाद से जो हत्यारोपी कोतवाल जो है फरार चल रहा था, लेकिन धमकी के चलते जो है कोर्ट में पेश हुआ और जो है अपने बयान कोर्ट में दर्ज किए हैं। फिलहाल इस मामले में जो है पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था, तो उसके बाद से पांच पुलिस कर्मी जो है फरार चल रहे हैं। जी प्राची जी, कमलेश, आनंद फानन में सभी पुलिस कर्मियों को तो सस्पेंड कर दिया गया था, आगे की अगर कार्रवाई की बात करें तो कहां तक पहुंची है पुलिस की कार्रवाई? अगर कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई अभी शून्य पे ही, सिर्फ पांच पुलिस कर्मियों को ही सस्पेंड किया गया था, उसके बाद अभी तक कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। परिजनों का धरना छठे दिन जारी है, अभी तक परिवार पूरा धरने पर बैठा है, लेकिन हत्यारोपी मंत्री के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं है, जिससे परिवार अब पूरी तरीके से टूट चुका है, लेकिन अभी भी धरने पर बैठा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमलेश तमाम जानकारी के लिए। वही नरेश अग्रवाल का कहना है कि पत्रकार जगेंद्र हत्याकांड में कार्रवाई जारी है। नहीं देखिये, उसमें आईजी रैंक का अफसर जांच कर रहा है, जांच हुई हम कुछ नहीं कहना चाहते। इसके पहले भी बदायूं कांड, प्रतापगढ़ कांड तमाम मीडिया ने उछाले, लेकिन सत्यता कुछ और निकली, तो इसमें भी सत्यता आ जाना चाहिए। ये विश्वास दिलाते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई।